हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। बच्चों, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब देखिए, फूड का ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए कैसे पड़ता है, हम समझते हैं उसको। मान लीजिए आप फ्रेश फूड ले रहे हो तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आप हमेशा एनर्जीफुल रहोगे, हमेशा कोई भी काम करने के लिए रेडी रहोगे। वहीं अगर मान लीजिए आपकी बॉडी को मिलती एक स्पॉइल्ड फूड मान लीजिए या अनहेल्दी फूड मान लीजिए, तो आप क्या रहोगे, वीक फील करोगे और हमेशा आप लेजीनेस रहोगे, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिए, फूड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी ह्यूमन हेल्थ पर। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब देखिए, हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो करेंगे फूड के बारे में। स्टूडेंट देखिए, फूड क्या होता है। मेनली फूड को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है बैलेंस फूड और दूसरा है अनबैलेंस फूड। बैलेंस फूड क्या होता है, बैलेंस फूड होता है स्टूडेंट देखिए, ध्यान रखिए, विच हैव ऑल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होते हैं, सभी न्यूट्रिशन होते हैं, उसे बोलते हैं हम बैलेंस फूड। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारे को बैलेंस फूड की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। अगला देखिए, अनबैलेंस फूड क्या होता है स्टूडेंट, विच हैव शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन की क्या होती है, कमी होती है। ध्यान रखिए, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है उसे बोलते हैं अनबैलेंस फूड। अब जो भी आज के टाइम पे मार्केट में तुम लोग यूज करते हो जंक फूड जो भी होता है, वो किस में आता है, हमारा होता है अनबैलेंस फूड में। वाइल जो हम फ्रूट वगैरह प्रॉपर वेजिटेबल वो जो यूज करते हैं वो होता है बैलेंस फूड। अब देखिए बच्चों, इसमें है ऑल न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमारे को समझना ये है कि ये न्यूट्रिशन वर्ड क्या बताता है, इस न्यूट्रिशन हैव न्यूट्रिशन डोंट हैव न्यूट्रिशन इसका मतलब क्या है सर, न्यूट्रिशन तो बता दीजिए पहले। तो देखिए बच्चों, जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या किन चीजों को डिस्क्राइब करता है। न्यूट्रिशन के अंदर आता है विटामिन, यानी हमारे फूड में विटामिन होना जरूरी है। यानी अगर हमारा हेल्दी फूड है या फिर बैलेंस फूड है तो उसके अंदर विटामिन का होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बुक कॉपी निकाल कर नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत यूजफुल है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी साइंस के स्टूडेंट, ध्यान रखिए आप। सेकंड हमारा है प्रोटीन, सेकंड क्या है हमारा, प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे फूड में होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या काम करता है ये हम बाद में देखेंगे। थर्ड देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये भी जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। फोर्थ है फैट, ये भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। मिनरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे न्यूट्रिशन के अंदर काउंट होता है स्टूडेंट। फाइबर और वाटर, ये ऑल सेवन आर न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट जिस फूड के अंदर ये सातों होंगे, सेवन के सेवन, उसे हम बोलेंगे बैलेंस फूड। अदरवाइज दूसरा फूड कौन सा होगा, अनबैलेंस फूड। ठीक है, कुछ बुक्स में फूड की जगह डाइट लिखा होता है, तो स्टूडेंट कोई इशू नहीं है, वहां देखिए। ठीक है, अब आइए देखिए, हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट समझिए, फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी पर। अब देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे विटामिन। ज्यादा नहीं पढ़ना, हल्का हल्का हमें नॉलेज होनी जरूरी है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई हम इसको स्टडी कर रहे हैं। विटामिन इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबोलिज्म। स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विटामिन। देखिए समझिए, अब बात ही आती है कि सर ये मेटाबॉलिज्म वर्ड क्या बताता है। तो समझिए स्टूडेंट्स, आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, वो सब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो भी होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स, देखिए विटामिन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर विटामिन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये, हम क्यों इसको हमारी बॉडी के अंदर लेना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, विटामिन इसलिए जरूरी है, देखिए क्या काम करता है, सोर अप बोन्स, यानी कि सोर अप का मतलब होता है स्टूडेंट मजबूत बनाना, यानी क्या काम करता है ये, बोन्स यानी हड्डियां या हमारी हड्डियों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। बच्चों ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभार देखा होगा कुछ एक की वीक होती है कुछ एक की स्ट्रांग, तो वो रीजन ये है क्योंकि विटामिन का कारण होता है स्टूडेंट। दूसरा हील वाउंड्स,
हील का यानी होता है हील और वाउंड का मतलब होता है घाव को भरना। जैसे आप कई बार देखते हो कहीं से कट जाते हैं, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स ये विटामिन इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। थर्ड है बोस्टर द इम्यून सिस्टम, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ये क्या करता है इम्यून सिस्टम को आपको एक तरह मजबूत बनाता है, ठीक है। तो मेनली विटामिन के तीन काम, सोर अप द बोन्स, हील बोन्स एंड बोस्टर द इम्यून सिस्टम, आप ये रख लीजिए काफी है, ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोटीन। देखिए स्टूडेंट प्रोटीन क्या होते हैं, लार्ज वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनको क्या बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। प्रोटीन आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए होता क्या है प्रोटीन, प्रोटीन कंसिस्ट वन और मोर, देखिए प्रोटीन कंसिस्ट वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज़, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि प्रोटीन के अंदर स्टूडेंट ध्यान रखिए क्या होता है, वन और मोर लॉन्ग चेन होती है, एक या एक से अधिक एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है, लंबी चेन होती है स्टूडेंट्स। जब भी एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन बनती है एक या एक से ज्यादा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है। काम क्या है प्रोटीन का, ग्रोथ में हेल्पफुल होता है और बिल्ड एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के रिपेयरिंग में भी हेल्पफुल होता है क्या प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड आइए कार्बोहाइड्रेट। देखिए स्टूडेंट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है स्टूडेंट्स, फैट भी मैक्रो में आता है तो हम उसको बाद में देखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट हमें फूड से मिलता है, फूड में शुगर स्टार्च और फाइबर, ये क्या होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टूडेंट। आप लोग जो भी खाना खाते हो उन सब में शुगर स्टार्च और फाइबर्स प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। अब देखिए फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी, ये क्या करता है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी जिससे कि हम कोई भी टास्क करते हैं कोई भी काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका फोर्थ है फैट। देखिए फैट क्या काम करता है, फैट होता क्या पहले देखते हैं, फैट इज ऑल्सो ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स फैट भी क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इट कंसिस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इनसोल्युबल इन वाटर। देखिए स्टूडेंट्स फैट में क्या होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, और ये पानी में इनसोल्युबल होता है, इनसोल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील होना, पानी में जो नहीं घुलता है उसे बोलते हैं इनसोल्युबल। फंक्शन क्या है, सपोर्ट द सेल ग्रोथ, यानी कि फैट क्या करता है आपके सेल को ग्रोथ करता है और प्रोटेक्ट द ऑर्गन, और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है आपके विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में जो थोड़ा थोड़ा मैंने नॉलेज देने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपके बेसिक क्लास है तो आपको इतना सा आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है इसका वो हम डिस्कस करेंगे, आप स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ है मिनरल, मिनरल देखिए स्टूडेंट मिनरल क्या है, एक तरह के क्या होते हैं केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स देखिए कैसे कौन कौन से होते हैं, इसमें आप ले सकते हैं आयरन, दूसरा कैल्शियम, तीसरे की बात करें आयोडीन, बात करें जिंक, कोबाल्ट, ये मेनली आपके क्या है मिनरल स्टूडेंट। अब इन सब के क्या है फंक्शन अलग अलग होते हैं, और ये अपने अभी नेक्स्ट टॉपिक में पूरा डीपली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में। सो मैं इसलिए अभी इतना ही बता रहा हूँ कि मिनरल क्या होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, आयरन कैल्शियम आयोडीन जिंक कोबाल्ट। अब देखो आपको पता है आयरन क्या करता है हमारी बॉडी में, ब्लड को फॉर्मेशन करने का काम करता है, कैल्शियम क्या करता है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ये आपको पता है, और फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, ध्यान रखिए स्टूडेंट। अब अगला जो सिक्स पॉइंट है वो है हमारा, सिक्स पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है अपना फाइबर। फाइबर क्या होता है देखिए,
फाइबर मेनली हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर हमारे को फ्रूट वेजिटेबल्स बीन्स इनसे ऑब्टेन होता है। फाइबर हमें कहाँ से मिला? फ्रूट हो गया स्टूडेंट, वेजिटेबल हो गया, बीन्स हो गया, इनसे हमारे को फाइबर मिलता है। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सेवन लास्ट एंड फाइनल वाटर। वाटर से तो आप सब लोग जानते हो वाटर को, तो वाटर तो हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट ही वाटर से बना, तो ये तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सब जो सात पॉइंट है सारे क्या है स्टूडेंट है? आपके हैं न्यूट्रिशंस, जो कि हमारे फूड में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स। और जब ये सातों हमारे बॉडी फूड के अंदर होते हैं तो इनको बोलते हैं हम हेल्दी फूड, या हम बोल सकते हैं बैलेंस फूड। अब स्टूडेंट एक बात समझिए, अगर इनमें से इन सातों न्यूट्रिशंस में से किसी भी एक कंपोनेंट की कमी होती है फूड के अंदर, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट,